गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज ऑफ यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। वी डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एंड वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। देर आर थ्री यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। फर्स्ट इज द टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम, एंड टू डिराइव द रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल मेथड। टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द न्यू पॉइंट ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट विच इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो आज की लेक्चर क्लास में अपन एक नया वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उस नए टॉपिक को मैंने बोला है सिग्निफिकेंट फिगर। तो वी डिस्कसिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर एंड रूल्स टू काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फाइंड आउट करने के अपन किसको डिस्कस करेंगे, रूल। तो आपको आराम से इस टॉपिक को समझना है, अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आएगा। तो इस क्लास में अपन एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये केमिस्ट्री में भी रहेगा और ये पॉइंट अपना फिजिक्स में भी रहेगा। तो नया टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर इस क्लास में, और अपन पढ़ेंगे रूल्स ऑफ काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। ये नया टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको मैंने ये बताया था कि द क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, कि जिन क्वांटिटीज़ का अपन मेजरमेंट कर सकते हैं उन क्वांटिटीज़ को अपन बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। देर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड अनदर इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देर आर सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन नेचर। तो आप सबको होता है कि जिन क्वांटिटीज़ का अपन मेजरमेंट कर सकते हैं उन क्वांटिटीज़ को अपन बोलते हैं बेटा कौन सी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। तो सिग्निफिकेंट फिगर अपन किसे बोलते हैं, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक्यूरेटली मेजरमेंट के लिए, एक्यूरेटली मेजरमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड फिगर होती है या जो रिक्वायर्ड नंबर होते हैं उस नंबर को अपन कौन सा नंबर बोलते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक्यूरेटली मेजरमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर होते हैं उस एक्यूरेटली मेजरमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर होते हैं उस नंबर को अपन कौन सा फिगर बोलते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कह द फिगर और डिजिट्स दैट एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेटली आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के प्योर मेजरमेंट या एक्यूरेसी से मेजरमेंट करने के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर होते हैं उस नंबर को अपन बोलते हैं बेटा कौन सा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, डायरेक्टली लिख सकते हैं बेटा द नंबर्स, और इसको अपन बोल सकते हैं बेटा डिजिट्स दैट एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेटली, accurately are called significant figure, are called significant figure। ये topic physics में भी काम में आएगा और ये topic chemistry में भी काम में आएगा। तो किसी भी physical quantity को accurately measurement के लिए जो required number होता है उस number को अपन बोलते हैं significant figure। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा रूल्स ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर,
सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के अपन कुछ रोल डिस्कस कर रहे हैं। देखो पहला रोल मैं आपको बता रहा हूँ, देर आर टू टाइप ऑफ नंबर्स या देर आर टू टाइप ऑफ डिजिट। एक तो होता है बेटा जीरोज और एक होते हैं नॉन जीरोज। एक तो शून्य होता है, जीरो होता है और अनदर नंबर होते हैं वो नॉन जीरोज। तो किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो नंबर कौन से फिगर होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। बट जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी गिवन नंबर में जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो नंबर कौन से फिगर होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। तो फर्स्ट रूल हो जाएगा ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर या ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट डिजिट। तो किसी भी नंबर में जितने भी जीरोज होते हैं ना वो सारे के सारे जीरोज कौन से फिगर होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। तो फर्स्ट रूल हो गया बेटा ऑल ऑल नॉन जीरोज डिजिट्स, ऑल नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती है वो सारी की सारी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऑल नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लेकिन जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे के सारे कौन से फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, इसमें आपको पूछूं मैं कितने नॉन जीरो नंबर है? 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 and 4 आर नॉन जीरो नंबर। तो इसमें जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे वो सारे के सारे कौन से फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर। बताओ बेटा इस एग्जाम्पल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूँ 2500, इसमें दो तो जीरो है और दो नॉन जीरो नंबर है। तो मैंने बताया कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर बट जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। उसकी अलग टर्म एंड कंडीशन होती है। तो इस नंबर में मैं आपको जो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर जाएगा बेटा कितना? 2। इसी तरीके से मैंने लिख दिया 2000, इसमें तीन तो जीरो है एक नॉन जीरो है। तो फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया कि ऑल नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 1। तो इस नंबर में तो सिग्निफिकेंट फिगर है 4, इसमें है 2, इसमें है 1। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर बट जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कब होंगे? कि किन्हीं दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आने वाले जितने भी जीरो होते हैं ना, तो किन्हीं भी दो नॉन जीरो नंबर के बीच आने वाले जितने भी जीरोज होते हैं वो सारे के सारे कौन से फिगर होते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर। तो अपन लिख सकते हैं बेटा ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो सेकेंड रूल अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। तो दो नॉन जीरो नंबर के बीच जितने भी जीरो होते हैं वो सारे के सारे जीरो कौन से फिगर होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल अपन ये डिस्कस कर रहे हैं 2020। अब आपको बताया कि इसमें दो तो नॉन जीरो डिजिट है और दो जीरो है। तो मैंने कहा जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता,
लेकिन जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारी की सारी कौन सी फिगर होती है? सिग्निफिकेंट फिगर। तो टू टू तो सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन मैंने कहा कि ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, तो नॉन जीरो के बीच आने वाले जितने भी जीरो होते हैं वो कौन से फिगर होते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? आंसर जाएगा थ्री। एक तो हो गया टू, एक हो गया जीरो, एक हो गया टू। ट्रेलिंग जो जीरो होगा वो राइट साइड, लास्ट नॉन जीरो नंबर के राइट साइड वाला जीरो होगा, वो कौन सा फिगर नहीं होगा? सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है? क्योंकि ये कितने नॉन जीरो नंबर के बीच आ रहा है? दो। और दो नॉन जीरो नंबर के बीच आने वाले जितने भी जीरो होंगे तो सारे के सारे कौन से फिगर होंगे? सिग्निफिकेंट। ऐसा ही मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, बताओ बेटा इसमें कितने हैं? तो इसमें आपको होता है टू, टू सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने नॉन जीरो नंबर के बीच आ रहे हैं? दो। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? फोर। एक एग्जांपल मैं और दे दूँ, 1005200, बताओ बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1, 5 और 2। और दोनों बीच वाले जीरो भी कौन से फिगर होंगे? सिग्निफिकेंट, क्योंकि दोनों जीरो वो कितने नॉन जीरो नंबर के बीच आ रहे हैं? दो। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गया बेटा? 5। तो ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा रूल, तीसरा रूल, रूल थर्ड, देखो बेटा यदि कोई नंबर, कोई भी नंबर है वो लेस देन वन है, एक से कम है, और नंबर में क्या प्रेजेंट है बेटा? डेसिमल। तो अगर आपको कोई गिवन नंबर है वो लेस देन वन है, एक से कम है, और उस नंबर में क्या प्रेजेंट है? डेसिमल। तो इस डेसिमल के राइट साइड में आने वाले और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर या डिजिट के लेफ्ट साइड में आने वाले, तो मैंने कहा कि यदि किसी नंबर है वो लेस देन वन है और उस नंबर में क्या प्रेजेंट है? डेसिमल। तो इस डेसिमल के तो राइट साइड में आने वाले और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के किस साइड में आने वाले? लेफ्ट साइड में आने वाले। जितने भी जीरोज होंगे वो सारे के सारे जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। रूल समझ में आया होगा कि अगर कोई नंबर है और वो नंबर लेस देन वन है और अगली कंडीशन मैंने बताई कि उस नंबर में क्या प्रेजेंट है? डेसिमल। तो अगर कोई नंबर लेस देन वन है और उस नंबर में अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो डेसिमल के राइट साइड में आने वाले और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड में आने वाले जितने भी जीरोज होंगे वो सारे के सारे जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। क्लियर है चीज? तो रूल अपन क्या लिखेंगे कि इफ नंबर इज लेस देन वन देन ए जीरोज राइट ऑफ decimal and to the left of first non-zero number are not significant figure.
not significant figure. So if number is less than 1, then a 0 is right of decimal and 2 left of first non-zero number are not significant figure. For example, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 0.0025 नंबर है वो लेस देन वन है, नंबर में क्या प्रेजेंट है, डेसिमल, तो डेसिमल के तो राइट साइड में आने वाले और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में आने वाले, जितने भी जीरोज होंगे वो सारे के सारे जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. तो अगर कोई नंबर लेस देन वन है और नंबर में यदि पॉइंट प्रेजेंट है, दशम डेसिमल प्रेजेंट है, तो डेसिमल के राइट साइड में आने वाले और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड में आने वाले जितने भी जीरोज होंगे तो सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो. तो बताओ इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 2. एक एग्जांपल और दो मैं, 0.001. बताओ बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, जीरोज तो होंगे नहीं क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में आ रहे हैं, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड में, ये सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है. ऐसा ही मैं एक एग्जांपल और दे दूँ, 0.00253. बताओ बेटा इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3. तो इफ नंबर इज लेस देन 1 देन ए जीरोज राइट ऑफ द डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2. इसमें कितना, 1. इसमें कितना, 3. इस तरीके से अपन को सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कर. अगला रूल मैं बता रहा हूँ, अगला रूल the number with a decimal, the number with decimal are trailing zeros are significant figure. अगर किसी भी नंबर में डेसिमल प्रेजेंट है, अगर द नंबर विथ डेसिमल आल ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर. अब ट्रेलिंग जीरोज का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी नंबर में डेसिमल प्रेजेंट है, तो अगर किसी भी नंबर में डेसिमल प्रेजेंट है तो लास्ट नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में आने वाले जितने भी जीरो होंगे ना वो सारे के सारे जीरो कहलाएंगे ट्रेलिंग जीरोज. लास्ट नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में आने वाले जितने भी जीरोज होते हैं वो सारे के सारे कौन से फिगर कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर. फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 0.00500. अब इसमें देखो पॉइंट प्रेजेंट है, डेसिमल प्रेजेंट है, तो डेसिमल के राइट साइड में आने वाले और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड में आने वाले नंबर तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे. लेकिन मैंने कहा कि अगर किसी नंबर में क्या प्रेजेंट है, डेसिमल, तो ऑल ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर. तो ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है कि लास्ट नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में आने वाले, लास्ट नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में आने वाले जितने भी जीरोज होते हैं वो सारे के सारे जीरोज कौन से फिगर होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर. तो हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन गिवन नंबर, तो आंसर जाएगा बेटा कितना, 3. दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूँ, 0.00100. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, लेकिन ये राइट साइड वाले जितने भी ट्रेलिंग जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4.
कई बार ऐसा भी एग्जाम्पल दे देते हैं 1.005000, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको देखना, नंबर में क्या प्रेजेंट है, डेसिमल, तो ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो लास्ट नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में आने वाले जीरोज कौन से फिगर होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन ये दो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि दोनों जीरो कितने नॉन जीरो नंबर के बीच आ रहे हैं, दो। तो मैंने आपको एक रूल लिखा है कि ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस नंबर में कितने हो गए बेटा, 6, ठीक है। तो द नंबर विथ डेसिमल्स ऑल ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर किसी नंबर में डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, तो डेसिमल प्रेजेंट नहीं होगा तो उसमें जितने भी ट्रेलिंग जीरोज है ना, वो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। एक रोल मैं डिस्कस कर रहा हूं, रोल नंबर 5, रोल नंबर 5, द नंबर विदाउट डेसिमल्स, द नंबर विदाउट डेसिमल्स आर ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 2500, क्या इस नंबर में डेसिमल प्रेजेंट है, नहीं है। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, जीरोज नहीं होंगे, 2। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दे दिया 100, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 1। अगर मैंने ऐसा दे दिया 12500, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट है बेटा, 3। लेकिन अगर इस नंबर को मैं ऐसा लिख देता, अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, क्योंकि इसमें पॉइंट प्रेजेंट है, तो ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इसको मैं ऐसा लिख देता 0.0025, इसमें कितने बेटा, 2, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसा लिख देता 1.00, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। तो द नंबर विदाउट डेसिमल्स आल ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। एक चीज़ और रूल बता रहा हूँ, रोल नंबर 6, आल जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर इफ दे आर ऑब्टेंड फ्रॉम मेजरमेंट। एक रोल और डिस्कस कर रहा हूँ, आल जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर इफ दे आर ऑब्टेंड फ्रॉम मेजरमेंट। तो किसी भी नंबर में जितने भी जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे अगर उस नंबर के आगे क्या लगा हुआ है, यूनिट, और यूनिट लगा हुआ है इसका मतलब वो नंबर किससे गेन हुआ है, मेजरमेंट। तो आल जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर इफ दे आर ऑब्टेंड फ्रॉम मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैंने दिया बेटा 2500, बताओ हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन गिवन नंबर, तो आपका आंसर जाएगा बेटा 2, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर बट जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर इसके आगे मैं ऐसा लिख देता हूँ बेटा मीटर, इसका मतलब यह नंबर है वो किससे ऑब्टेंड है, मेजरमेंट से। तो सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे अगर उस नंबर के आगे क्या लगा हुआ है, यूनिट। आल जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर इफ दे आर ऑब्टेंड फ्रॉम
मेजरमेंट। अब इसमें कितने हैं, 4। ऐसा दिया बेटा इसमें कितने, 1 आ गया, यूनिट लगा दी तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। तीसरा एग्जांपल देता हूँ, 4350। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर, 3। लेकिन अगर ये यूनिट लगा दो सेंटीमीटर तब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। तो ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर इफ दे आर ऑब्टेंड फ्रॉम मेजरमेंट। क्लियर। अगला रूल, याद रखना बेटा, पावर ऑफ 10 आर नॉट कंसिडर्ड, कंसिडर्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर। पावर ऑफ 10 आर नॉट कंसिडर्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹ kg। तो मैंने कहा पावर ऑफ 10 होती है ना, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बेटा, 2, 9 और 1, इसको अपन काउंट नहीं करते। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3×10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। तो 10 की पावर को तो अपन सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा 6.63×10⁻³¹ जूल इंटू सेकेंड। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर, 3। द पावर ऑफ 10 आर नॉट कंसिडर्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी नंबर में जो पावर ऑफ 10 होती है उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता। लास्ट एक रूल और डिस्कस कर लेते हैं, ऑन चेंजिंग द पोजिशन ऑफ डेसिमल देयर विल बी नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर। On changing the position of decimal, there will be no change in significant figure. For example, एक example मैं देता हूँ बेटा 2.84। अब की बार मैं position change कर देता हूँ 0.284। अब की बार मैं decimal की position change कर देता हूँ 28.4। बताओ बेटा इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3। इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो डेसिमल की पोजीशन को चेंज करने पर देयर विल बी नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये किसी भी गिवन नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर फाउंड आउट करने के रूल। तो मैंने पहला तो बताया जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर, जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, इफ द नंबर इज लेस देन 1 देन the zeros right of the decimal and left of the first non zero digits are significant figure are not significant figure, the number with the decimals all trailing zeros are significant figure, the number without decimals all trailing zeros are not significant figure। agla rule apne ye discuss kiya ki all zeros are significant figure if they are obtained from the measurement, इट मीन्स उस डिजिट के आगे क्या लगा हुआ है, यूनिट। और अगला रूल मैंने बताया कि पावर ऑफ 10
आर नॉट कंसिडर्ड इनसिग्निफिकेंट फिगर। और लास्ट रूल मैंने बताया कि डेसिमल की पोजिशन को चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर में देर विल बी नो चेंज। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।